हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर वन रिलेशन एंड फंक्शन की रिवीजन करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर वन रिलेशन फंक्शन की रिवीजन करने जा रहे हैं सो प्लीज़ लिसन केयरफुली सबसे पहली एक्सरसाइज जो है हमारी इस चैप्टर में दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन आई रिपीट टाइप्स ऑफ रिलेशन सो सबसे पहला टाइप जो हमने पढ़ना है दैट इज़ नोन एज एम रिलेशन सो डेफिनेशन रीड करिए मेरे साथ अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए मीन्स कोई भी एलिमेंट अगर आपस में रिलेटेड नहीं है दैट इज़ रिलेशन इज़ एन एम टी सेट विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए देन इट इज़ नोन एज एम टी रिलेशन हमें नाम से ही पता चल रहा है देन सेकेंड इज़ नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन नाउ द डेफिनेशन सेज अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ़ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज़ रिलेशन इज़ इक्वल टू ए करॉस ए ए करॉस ए सो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन तो ये दोनों टाइप्स जो आपने पढ़े फर्स्ट एंड सेकेंड दे आर द एक्सट्रीम रिलेशन एक्सट्रीम मीन्स एम टी रिलेशन मिनिमम रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन इज़ अ मैक्सिमम रिलेशन क्योंकि हमने हमने एलेवेंथ में पढ़ा था अगर आपको याद हो कि रिलेशन जो होता है इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टिशन प्रोडक्ट कार्टीजन प्रोडक्ट में हम ऑल पॉसिबल पेयर्स बनाते हैं और रिलेशन में बेटा हम सेलेक्टेड पेयर्स बनाते हैं तो अगर वो सेलेक्टेड पेयर्स फाई हैं खाली नल नल सेट है देन इट इज़ एम्प्टी रिलेशन और अगर वो सिलेक्टेड पेयर्स ऑल पेयर्स के बराबर हैं तो हम उसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमें करने हैं बेटा इस चैप्टर में दे आर बेस्ड ऑन थ्री टाइप्स बेसिकली द फर्स्ट वन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव सेकेंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांसिटिव अब इन तीनों को हम इनके नेम से ही लर्न करेंगे रिफ्लेक्सिव का मतलब बेटा रिफ्लेक्शन सो दैट मीन्स इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव जैसे वन कामा वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री तो ये सब रिफ्लेक्सिव है देन सिमेट्रिक सिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्री मतलब सीधा और उल्टा दोनों बिलोंग करने चाहिए सो इफ ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाईज इसका रिवर्स भी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए वन ए टू बिलोंग्स टू ए सेट देन इट इज नोन एज सिमेट्रिक मतलब अगर एक रिलेशन में वन कामा टू एलिमेंट है और टू कामा वन भी एग्जिस्ट कर रहा है उसी रिलेशन में देन इट इज़ नोन एज सिमेट्रिक देन ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव मीन्स इफ ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर एंड ए टू ए थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू आर आप नोटिस करेंगे ये आपस में कनेक्टेड हैं कनेक्टेड कैसे हैं फर्स्ट पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है ए टू वो सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए टू के बराबर है तो अगर ए वन ए टू और ए टू ए थ्री दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं देन इट इम्प्लाइज दैट ए वन ए थ्री शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू ए तो इसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं बेटा जैसे अगर वन कॉमा टू और टू कॉमा थ्री दोनों पेयर रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो वन कामा थ्री भी बिलोंग करना चाहिए बट यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा प्लीज़ दोबारा सुनिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सब की रिफ्लेक्शन होनी जरूरी है यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए मतलब अगर ए सेट में तीन एलिमेंट्स हैं मान लीजिए वन टू थ्री तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए तीनों की रिफ्लेक्शन होनी ज़रूरी है वन वन टू टू एंड थ्री थ्री कोई भी एक मिसिंग है अगर तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा देन सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए देखिए जितने भी पेयर रिलेशन में हैं उनके रिवर्स पेयर भी होने चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इफ और फिर देन इफ और देन का मतलब होता है कि अगर ए वन ए टू प्रेजेंट है रिलेशन में तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए अगर ए वन ए टू प्रेजेंट नहीं है तो उसका रिवर्स भी नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है देन ट्रांज़िटिविटी में भी इफ़ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ट्रांजिटिविटी में भी अगर कोई कनेक्टेड पेयर है आई रिपीट अगर कोई कनेक्टेड पेयर है जैसे ए वन ए टू एंड ए टू ए थ्री तो ए वन ए थ्री होना ज़रूरी है और अगर कोई कनेक्टेड पेयर नहीं है तो भी वो ट्रांज़िटिव माना जाएगा आई रिपीट अगर कोई कनेक्टेड पेयर नहीं है तो वो ट्रांज़िटिव माना जाएगा तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट इक्वी बैलेंस रिलेशन बनाने के लिए बोलें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए बोलें इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है देखिए मैं बता देता हूं ये वो रिलेशन होती है जो तीनों को सेटिस्फाई करे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में उन सब का रिफ्लेक्सिव बनाना है आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव बनाना है सिर्फ आपको तो वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाती है फॉर एक्जाम्पल अगर आपको ए सेट दिया गया है वन टू थ्री तो एम्प्लाईज इसकी स्मॉलेस्ट इक्वी बैलेंस रिलेशन अगर आपको चाहिए तो वो होगी वन वन टू टू एंड थ्री थ्री क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है सो so, अभी तक हमने चार चीज़ें पढ़ी बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट एम्प्टी रिलेशन जो खाली रिलेशन होती है फिर हमने पढ़ा बेटा अबाउट इक्वल यूनिवर्सल रिलेशन और फिर हमने पढ़ा अबाउट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड लास्ट में इक्वी बैलेंस रिलेशन जो तीनों को सेटिस्फाई करे तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का कंटेंट है हमारा इस पे बेस्ड हमने चार टाइप्स के क्वेश्चन किए थे बेटा फोर टाइप्स प्लीज़ देखिए टाइप वन क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चनस ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन एन में अगर आप देखेंगे तो एन में क्वेश्चन नंबर इलेवन से लेकर फोर्टीन तक ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट वन में जिसको हम टाइप वन बोल सकते हैं दैट इज़ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन वन पढ़ते हैं आर इज़ द रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन डिफाइंड बाय एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर इम्प्लाईज लाइन एल वन इज़ पैरल टू लाइन एल टू तो हमें शो करना है इट इज़ अक्वी बैलेंस रिलेशन तो आप नोटिस करेंगे कि अगर हम सिमेट्री के लिए चेक करें सिमेट्री के लिए चेक करें सो इफ एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू आर इट एम्प्लाइज़ एल वन इज़ पैरल टू एल टू फॉर ऑल एल वन एल टू बिलोंग्स टू कैपिटल एल वेयर कैपिटल एल इज़ द ऑल लाइन्स इन अ प्लेन देन इट एम्प्लाईज इसका रिवर्स भी ट्रू होगा फॉर ऑल एल वन एल टू

R implies L1 is parallel to L1 is true for all L1 belongs to L देखिए L1 L1 के पैरल बिल्कुल मानी जाती है इट इज़ ट्रू सो therefore R is इज रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा एंड now थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिविटी now ट्रांजिटिविटी में हमें जूनियर classes में बताया गया था कि इफ़ l1 l2 belongs to r and l2 l3 belongs to r implies l1 is parallel to l2 and l2 is parallel to l3 then l1 is parallel to l3 is true implies l1 l3 also belongs to r for all l1 l2 l3 belongs to capital l देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव सो ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है सो हैंस आर इज एंड इक्वी वैलेंस रिलेशन इक्वी वैलेंस रिलेशन सो आपको सिर्फ राइटिंग स्किल पता होनी चाहिए कि किस तरह से लिखना है इसके मैंने और भी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं बेटा आप ट्राई कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल्स पर बेस्ड है थर्ड क्वेश्चन कॉन्ग्रुवेंट ट्राइंगल्स पे बेस्ड है और फोर्थ क्वेश्चन डिस्टेंस के बेस्ड है ओके okay? तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है दैट इज़ इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दिए गए हैं एन सी आर टी में अगर आप नोटिस करें वन पॉइंट वन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर टू फोर और फाइव ये इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं सो क्वेश्चन वन रीड करते हैं शो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयेर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव ये हमें शो करना है कि तीनों में से कुछ भी नहीं है तो इसमें चेक करते हैं प्लीज सुनिए अगर मैं इसमें सिमेट्री के लिए चेक करूँ तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर देन बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स अब देखिए इसमें हमें एग्जाम्पल देना होगा फॉर एग्जाम्पल वन इज़ लेस देन इक्वल टू टू स्क्वेयर बट टू इज नॉट लेस देन इक्वल टू वन स्क्वेयर देअर फोर आर इज नॉट सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक नहीं है देन सेकेंड पार्ट में अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करूं सो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बिकॉज अगर आप हाँ फ्रैक्शन की बात करें फॉर एग्जाम्पल जो हाफ होता है बेटा वो हाफ के स्क्वेयर से लेस देन और इक्वल टू नहीं होता ग्रेटर होता है बेटा सो देयर फोर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव नहीं है नाउ थर्ड लास्ट पार्ट ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात करें तो इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वेयर देन ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वेयर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर अब इसके लिए एग्जांपल के लिए हम तीन नंबर्स लेंगे बेटा सपोज मैंने ए को ले लिया फ़ाइव बी को ले लिया थ्री और सी को ले लिया टू मैं चाहूँगा कि ये एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए फाइव थ्री टू ओके सो नाओ आप चेक कर सकते हैं फाइव इज़ लेस देन इक्वल टू थ्री स्क्वेयर एंड थ्री इज लेस देन इक्वल टू टू स्क्वेयर बट फाइव इज नॉट लेस देन इक्वल टू टू स्क्वेयर सो देयर फोर आर इज नॉट ट्रांजिटिव ये ट्रांज़िटिव नहीं है सो so मैं चाहूँगा कि आप इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर लर्न कर लें खासकर ट्रांज़िटिविटी का एग्जाम्पल मैंने दो क्वेश्चन और दिए होंगे बेटा ये दोनों एन सी आर टी के क्वेश्चन हैं एक है ए लेस देन इक्वल टू बी और एक है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू ना जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर भी जो ट्रांज़िटिविटी का एग्ज़ाम्पल है आप प्लीज़ उसमें ए को टेन बी को थ्री और सी को टू ले लेंगे ये मैंने एग्ज़ाम्पल बताया आपको ट्रांज़िटिव के लिए ये ट्रांज़िटिव नहीं होगा लेकिन एग्ज़ाम्पल लर्न लें कर लेंगे तो बेटर रहेगा सो ये दो टाइप्स हो गए हमारे नाउ थर्ड टाइप जो है वो डिविजिबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेटा डिविजिबल बेस्ड क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वन पढ़िए मेरे साथ शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर ए कॉमा बी टू डिवाइड्स ए माइनस बी देखिए टू डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू इज एन इक्वलेंस रिलेशन अब अगर हम इसमें सिमेट्री की बात करें सो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाईज ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय टू तो डिविजिबल बाय टू को बेटा हम टू का मल्टीपल ले सकते हैं टू आर सो इट इम्प्लाईज बी माइनस ए जो कि नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी होता है येस इट इज़ नेगेटिव ऑफ टू आर सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय टू माइनस टू आर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू सो एम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजस सो देयर फोर आर इज सेमेट्रिक ये सीमेट्रिक माना जाएगा नाउ अगर हम रिफ्लेक्सीविटी की बात करें बेटा तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा कि ए माइनस ए जो कि ज़ीरो है इज़ डिविजिबल बाई टू इज ट्रू ये ट्रू है बेटा क्योंकि जीरो जो है वो टू से डिविजिबल माना जाता है इनफैक्ट जीरो सभी नंबर से डिविजिबल माना जाता है सो देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव आर रिफ्लैक्सिव है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजस ना थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा ट्रांजिटिविटी सो ट्रांजिटिविटी के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय टू इसको मैं टू आर ले रहा हूँ और बी माइनस सी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय टू इसको मैं टू पी ले लेता हूँ बेटा सो इम्प्लाइज ए माइनस सी जिसको हम लिख सकते हैं बेटा ए माइनस बी और बी माइनस सी का सम दोबारा से सुनिए मैं इसमें ए माइनस सी को लिख रहा हूँ ए माइनस बी और बी माइनस सी का सम क्योंकि इनको ऐड करने से आप देख रहे हैं बी से बी कट सकता है तो ए माइनस सी आएगा सो इट इज़ टू आर प्लस टू पी तो अगेन टू कॉमन आ गया विच इज़ डिविजिबल बाई टू सो इज़ डिविजिबल बाई टू इज़ ट्रू सो देर फोर आर इज ट्रांजिटिव आर ट्रांजिटिव माना जाएगा for all a b c belongs to integers, hence R is an equivalence relation. R हमारा equivalence रिलेशन माना जाएगा सो so, आपने नोटिस किया हमने तीन टाइप के क्वेश्चन किए ये सब एन में हैं इसके जैसे मैंने दो क्वेश्चंस और दिए हुए बेटा डिविजिबल वाले क्वेश्चंस बोलते हैं इनको मल्टीपल भी बोल सकते हैं डिविजिबल भी बोल सकते हैं आप ट्राई कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में भी जो ट्रांजिटिविटी वाला पार्ट है बेटा उसमें आप ऐड करेंगे दोनों को ए माइनस बी और बी माइनस सी को ऐड करेंगे नाउ टाइप फोर टाइप फोर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा इसमें पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको इसमें हमें रिलेशन आर दिया हुआ है ऑन सेट एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी दो पेयर्स रिलेटेड है इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी ये है सम ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू सम ऑफ मीन्स ओके, okay. नाउ इसे हमें इक्वलेंस शो करना है तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सो so, सिमेट्रिक के लिए इफ ए कॉमा बी इज़ रिलेटेड टू सी कॉमा डी इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी देन अगर आप इसका उल्टा लेते हैं सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी इम्प्लाइज सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए इज ट्रू आप देख सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन से मैच कर रहा है बेटा बिल्कुल सेम इस ट्रू फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सो देयर फोर आर इज सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक माना जाएगा अब हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करते हैं बेटा सो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी दोनों सेम पेयर लिए बेटा मैंने जान के इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज ट्रू आप देख सकते हैं ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल ही होगा इज़ ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सो देयरफॉर फोर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा बेटा और थर्ड पार्ट के लिए इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ ध्यान से देखिएगा इसको ए बी सी डी से रिलेटेड है एंड सी डी ई एफ से रिलेटेड है ये गिवन है हमें तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी और यहाँ पर बेटा सी प्लस एफ इज ईक्वल टू डी प्लस ई अब इनको अगर आप एडिंग कर देते हैं बेटा एडिंग ध्यान दीजिएगा एडिंग तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ और सामने बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आप नोटिस करेंगे सी और डी दोनों कैंसिल हो रहे हैं दोनों तरफ से तो आपके पास बच रहा है ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई दैट एम्प्लाइज ए बी इज़ रिलेटेड टू ई एफ आप देख सकते हैं ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ आ गया सो देअर फोर आर इज़ ट्रांजिटिव सो इसका ट्रांजिटिविटी इंपॉर्टेंट था दोनों को हमने ऐड कर दिया बेटा ऐड तो इट इज एन इक्वलेंस रिलेशन इसके जैसे मैंने दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं जिसमें सेकेंड क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन है जैसे सम था ना वैसे प्रोडक्ट है बेटा सेकेंड में और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सम और प्रोडक्ट दोनों यूज हो रहे हैं सम और प्रोडक्ट दोनों यूज़ हो रहे हैं है. तो थर्ड क्वेश्चन का मैं एक हिंट बताना चाहूँगा आपको हिंट प्लीज़ सुनिए हम इस रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ए बी रिलेटेड टू सी डी हमें गिवन था ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ब्रैकेट ए प्लस डी अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी प्लस सी को मैं बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ और ए प्लस डी को मैं ई डी से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा सो दैट आपके पास वन बाय सी प्लस वन बाय बी इज़ इक्वल टू वन बाय डी प्लस वन बाय ए आ जाएगा यस yes, तो ये हमारे सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ मीन एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ़ एक्सट्रीम अब इस रिलेशन को अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही ईजिली सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव शो हो जाएगा तो फोर्थ टाइप मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा हमने सम ऑफ एक्सट्रीम और सम ऑफ मीन यूज़ किया है देखिए एक्सट्रीम और मीन से मेरा क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ अगर ए बी और सी डी पेयर है तो ये एक्सट्रीम्स होते हैं बेटा कॉर्नर्स और बीच वाले दोनों को मीन्स बोलते हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन में था सम सम ऑफ ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स देन सेकेंड क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ये देखिए रिलेशन को देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन और थर्ड वाले में मॉडिफाई करने के बाद आपके पास सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ मीन ओके नाउ सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बेटा हमारी सेकेंड एक्सरसाइज जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे बेटा फंक्शन के फर्स्ट टाइप था वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं अब इसमें डेफिनेशन क्या कहती है फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स विच इज़ डोमेन याद रखिएगा कैपिटल एक्स विच इज डोमेन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मीन्स आप इसमें एज्यूम कर लेंगे कि फंक्शन एट एक्स वन और फंक्शन एट एक्स टू इक्वल है मतलब कि वो वन वन नहीं है वो वन वन नहीं है क्योंकि अगर दो वैल्यूज पे सेम वैल्यू आंसर आ रहा है फंक्शन का तो दैट मीन इट इज मैनी वन बट इंप्लाइज में हमें पता चला कि एक्स वन एक्स टू के बराबर है तो हेंस इट इज वन वन और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम उसे मैनी वन बोलते हैं बेटा मैनी वन अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा सेकेंड है हमारे पास टाइप ऑन टू फंक्शन जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन बहुत सिंपल है ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ध्यान दीजिएगा एवरी एलिमेंट ऑफ वाई वाई का मतलब होता है कोडोमेन यस इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स मतलब कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन मीन्स को डोमेन के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए कोई भी अनकनेक्टेड पेयर नहीं बचना चाहिए ओके सो इन अदर वर्ड्स हम इसमें बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई अब आप देखेंगे डायग्राम्स डायग्राम्स को ध्यान से देखिए अगर आप फर्स्ट डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट डायग्राम को तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि सभी एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेज यूनिक है तो दैट मीन्स इट इज़ वन वन ये वन वन है लेकिन आप नोटिस करेंगे कि को डोमेन में दो एलिमेंट्स अनकनेक्टेड बच रहे हैं तो ये नॉट ऑन टू है नॉट ऑन टू सो आई रिपीट पहला वाला डायग्राम वन वन है लेकिन नॉट ऑन टू है सेकेंड डायग्राम को अगर आप देखें तो आप नोटिस करेंगे वन और टू दो एलिमेंट्स का सेम आंसर आ रहा है तो ये वन वन नहीं है इट इज़ नॉट वन वन बेटा वन वन के लिए एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक आंसर और इसमें आप देखेंगे को डोमेन में दो एलिमेंट्स क्या तीन एलिमेंट्स खाली बचे हुए हैं तो इट इज नॉट ऑन टू नॉट ऑन टू वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है नाउ थर्ड डायग्राम को अगर आप ध्यान से नोटिस करें थर्ड डायग्राम प्लीज देखिए तो आप देखेंगे वन और टू दो एलिमेंट्स का सेम आंसर आ रहा है तो ये नॉट वन वन है ये वन वन नहीं है एंड आप देखेंगे कि को डोमेन में सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है तो येस इट इज़ ऑन टू ये ऑन टू है और फोर्थ डायग्राम में आप देखेंगे कि इसमें सभी एलिमेंट्स जो हैं उनकी यूनिक इमेज है वन वन है एंड आपके पास को डोमेन में सभी एलिमेंट्स की प्री प्री इमेज भी है तो यस इट इज़ ऑन टू ऑल्सो तो लास्ट वाला जो है वो वन वन एंड ऑन टू है और जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों को सेटिस्फाई करता है वन वन एंड ऑन टू दोनों को सेटिस्फाई करता है उसे बाईजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं बेटा बाइजेक्टिव ओके बाइजेक्टिव फंक्शन सो so, ये वन वन और ऑन टू और बाइजेक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा सो वन वन फंक्शन के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ वन वन फंक्शन के लिए हम लोग लेट करते हैं कि एफ़ ऑफ एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन मान लीजिए ए डोमेन है और इसको सॉल्व करने से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए तो ये वन वन फंक्शन माना जाता है और ऑन टू के लिए आपको शो करना होता है कि एफ ऑफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई दैट इज रेंज इज इक्वल टू को डोमेन रेंज इज़ इक्वल टू को डोमेन ये ऑन टू के लिए आपको शो करना होता है अब हम कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बेटा हमारे कोर्स में सिर्फ पहली दो एक्सरसाइजेज हैं थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज इज़ नॉट इन आर कोर्स अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस सो मिसलेनियस एग्जाम्पल पहला वाला है एग्जाम्पल फोर्टी वन इफ आर वन आर टू आर इक्वलेंस रिलेशन ये दोनों इक्वलेंस रिलेशन हैं इन अ सेट ए देन शो दैट आर वन इंटर सेक्शन आर टू इज ऑल्सो एन इक्वलेंस रिलेशन बहुत ही सिंपल है प्लीज़ सुनिए पहले मैं सिमेट्रिक के लिए चेक कर रहा हूँ सिमेट्रिक के लिए तो सिमेट्रिक के लिए हमें इस तरह से चेक करना होगा कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटर सेक्शन आर टू तो इसका उल्टा पेयर भी बिलोंग करना चाहिए तो हम स्टार्ट करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटर को हम एंड बोलते हैं बेटा ये हमने इलेवंथ में पढ़ा था तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू नाउ आर वन आर टू क्योंकि इक्वलेंस रिलेशन है ऑलरेडी गिवन है तो अगर ए कॉमा बी आर वन को बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स पेयर बी कॉमा ए आर वन को बिलोंग करेगा एंड बी कॉमा ए आर टू को भी बिलोंग करेगा बिकॉज आर वन आर टू आर गिवन टू बी इक्वलेंस रिलेशन्स सो बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर वन इंटरसेक्शन आर टू को तो आप नोटिस करेंगे ए कामा बी और बी कामा ए दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर वन इंटरसेक्शन आर टू को तो देअर फोर आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज सिमेट्रिक ये हमने शो किया कि ये सीमेट्रिक है नाओ रिफ्लेक्सीविटी के लिए अगर हम चेक करें रिफ्लेक्सीविटी के लिए तो सिंस आर वन एंड आर टू आर रिफ्लेक्सिव क्योंकि ये इक्वलेंस रिलेशन गिवन थी हमें इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वन एंड ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर टू विच एम्प्लाईज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू देअर फोर आर वन इंटरसेक्शन आर टू इस रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव भी माना जाएगा ना थर्ड पार्ट आ गया ट्रांजिटिविटी सो ट्रांजिटिविटी में इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर वन एंड AB belongs to R2 and BC belongs to R1 and BC belongs to R2. Now, since R1 and R2 are individually transitive also, so BA belongs to आर वन सॉरी इसमें हम ट्रांजिटिविटी कर रहे हैं बेटा सो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर वन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर वन आई रिपीट ये देखिए एंड सिंस आर वन इज इक्वल रिलेशन दैट इज इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो सो ए सी बिलोंग्स टू आर वन एंड सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर टू एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर टू सो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर टू मैं ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ आर वन आर टू इंडिविजुअली सो इम्प्लाईज ए सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू सो देअर फोर आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज ट्रांजिटिव इज ट्रांजिटिव तो आपने नोटिस किया आर वन इंटर सेक्शन आर टू को हमने भी शो किया बेटा रिफ्लेक्सिव भी शो किया हमने और ट्रांजिटिव भी हैंस इट इज़ एन इक्विलेंस रिलेशन नाउ फोर्टी सेकेंड एग्जाम्पल हमने अभी जो टाइप फोर किया था बेटा टाइप फोर एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वी इज़ इक्वल टू वाई यू ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन है बेटा हमें शो करना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है सो अगेन आई थिंक आप इसको ईजीली कर सकते हैं सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए if एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी इम्प्लाइज एक्स वी इक्वल टू वाई यू देन इसका रिवर्स बेटा यू वी रिलेटेड टू एक्स वाई इम्प्लाइज यू वाई इक्वल टू वी एक्स इज ट्रू क्योंकि ये इक्वेशन वन के जैसा ही है सो देअर फोर आर इज सिमेट्रिक ये सीमेट्रिक माना जाएगा देन अगर हम रिफ्लेक्सीविटी की बात करें तो एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई एम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इज ट्रू क्योंकि आप देखेंगे एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल ही माना जाता है देअर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा और थर्ड पार्ट के लिए बेटा इफ एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी एंड यू वी रिलेटेड टू सपोज पी क्यू इम्प्लाइज एक्स वी इक्वल टू वाई यू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी लेना है बेटा पहले और यू क्यू इक्वल टू वी पी अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा मल्टीप्लाई सो एक्स वी यू क्यू इज़ इक्वल टू वाई यू वी पी तो आप नोटिस करेंगे V और U कैंसिल हो रहा है बेटा सो दैट मीन्स एक्स क्यू इक्वल टू वाई पी आ रहा है दैट मीन्स दैट एक्स वाई इज रिलेटेड टू पी क्यू एक्स वाई इज़ रिलेटेड टू पी क्यू देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव ये ट्रांजिटिव माना जाएगा सो हेंस आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन ये एक इक्वलेंस रिलेशन है क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नो एग्जाम्पल फोर्टी सिक्स है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इट सेल्फ तो देखिए वन वन फंक्शंस का मतलब है आपको वन टू थ्री का अरेंजमेंट करना होगा वन टू थ्री के साथ आई रिपीट मैं एक अरेंजमेंट बनाकर दिखा देता हूँ आपके पास डोमेन और को डोमेन दोनों वन टू थ्री हैं तो आपको इनका अरेंजमेंट करना होगा सो दैट मीन्स थ्री एलिमेंट्स को थ्री एलिमेंट्स के साथ आपको अरेंज करना है फॉर वन वन मैं एक अरेंजमेंट बनाया मैंने ये एक अरेंजमेंट सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स विद सेल्व इज इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल सो एम्प्लाइज नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इज इक्वल टू सिक्स ये हमें अरेंजमेंट्स करने थे बेटा ना फोर्टी सेवेंथ एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है आपको शो करना है कि अगर ए सेट वन टू थ्री है नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग वन टू एंड टू थ्री विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज़ फोर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो देखिए मैं पहली रिलेशन जो बना रहा हूँ मुझे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बनाना है ध्यान दीजिएगा तो वन वन टू टू थ्री थ्री ये तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हो गया और ट्रांजिटिव भी चाहिए मुझे लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और हमें दो एलिमेंट जरूर लेने हैं वन टू एंड टू थ्री तो देखिए वन टू टू थ्री ये मैंने दोनों लिख लिए अब मुझे वन थ्री भी लेना पड़ेगा ताकि ये ट्रांज़िटिव बन जाए ट्रांज़िटिव बन जाए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो आपके सामने जो आर वन रिलेशन मैंने बनाया है वो रिफ्लेक्सिव है ट्रांज़िटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है अब आर टू रिलेशन जो मैं बनाऊँगा प्लीज़ सुनेंगे ध्यान से आप सारे एलिमेंट्स यही वाले कॉपी करेंगे लेकिन साथ में सिर्फ वन टू का रिवर्स ध्यान दीजिएगा मैं सिर्फ वन टू का रिवर्स जो कि टू वन है वो लिख रहा हूँ बाकी दोनों के रिवर्स नहीं लिखे मैंने तो ये सिमेट्रिक अभी भी नहीं माना जाएगा देन आर थ्री के लिए हम वन वन टू टू थ्री थ्री और वन टू का रिवर्स अब मैं नहीं लूँगा सिर्फ टू थ्री का रिवर्स लूँगा बेटा आई रिपीट टू थ्री का रिवर्स लूंगा सिर्फ थ्री टू टू थ्री का रिवर्स बेटा ताकि ये सिमेट्रिक ना हो और आर फोर के लिए मैं वन वन टू टू थ्री थ्री और अब मैं वन टू का रिवर्स नहीं लूंगा टू थ्री का रिवर्स नहीं लूंगा सिर्फ वन थ्री का रिवर्स लूंगा दैट इज थ्री वन सिर्फ वन थ्री का रिवर्स लूंगा मैं दैट इज थ्री वन अब इसके ज्यादा इससे आगे और हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमने आपने नोटिस किया पहले सिर्फ वन टू का रिवर्स लिया फिर टू थ्री का रिवर्स लिया फिर वन थ्री का रिवर्स लिया हम दो पेयर का रिवर्स नहीं ले सकते आई रिपीट हम दो पेयर का रिवर्स नहीं ले सकते क्योंकि अगर आप दो पेयर का रिवर्स लेंगे तो आपको तीसरा पेयर भी लेना पड़ेगा जिससे वो सिमेट्रिक हो जाएगा तीसरा पेयर इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ट्रांजिटिविटी फॉलो करनी है आई रिपीट ट्रांजिटिविटी फॉलो करनी है तो हम दो पेयर का रिवर्स नहीं ले सकते सो दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ फोर रिलेशन बनेंगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नाउ फोर्टी एथ एग्जाम्पल में शो करना है हमें नंबर ऑफ इक्वीवेंस रिलेशन इक्वीलेंस रिलेशन होनी चाहिए दैट मीनस वन वन इक्वलेंस रिलेशन सॉरी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों होनी चाहिए कंटेनिंग वन टू एंड टू वन कंटेनिंग वन टू एंड टू वन और वो कह रहे हैं सिर्फ दो बन सकती हैं ये हमें शो करना है कंटेनिंग वन टू एंड टू वन इक्वलेंस रिलेशन सिर्फ दो बन सकती हैं हमें ये शो करना है बेटा तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो बनेगी आई रिपीट सबसे स्मॉलेस्ट जो इक्वलेंस रिलेशन बनेगी इन दोनों को इंक्लूड करके वो बनेगी वन वन टू टू थ्री थ्री और मैं वन टू और टू वन ही ले लूँगा वन टू और टू वन ही ले लूँगा तो ये मेरी फर्स्ट रिलेशन बन गई अब सेकेंड रिलेशन के लिए ध्यान दीजिएगा हमारे पास सिर्फ चार पेयर बचे हुए हैं चार पेयर जो हमने अभी तक नहीं लिए थे तो हमें सेकेंड रिलेशन में चारों पेयर लेने होंगे बेटा मैं अभी रीज़न बताता हूँ स्टूडेंट्स कहते हैं कि टू थ्री थ्री टू ले लीजिए बाकी दोनों को रहने दीजिए अगले बार ले लेंगे लेकिन मैं आपको बता दूं अगर मैं टू थ्री थ्री टू लेता हूं और बाकी के दोनों पेयर नहीं लेता हूं तो ये इक्वलेंस रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि ट्रांजिटिविटी फॉलो नहीं हो पाएगी ट्रांजिटिविटी फॉलो नहीं हो पाएगी तो आपको वन थ्री और थ्री वन भी साथ में लेना होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये जो चार पेयर मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं ये चारों पेयर हमें साथ में लेने होंगे हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो अभी ले लें ले और दो बाद में क्योंकि अगर हम इनमें से दो पेयर सेलेक्ट करते हैं तो वो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा रिलेशन और हमें इक्वलेंस रिलेशन चाहिए था तो हैंस हमारे पास सिर्फ दो रिलेशन बन सकते हैं ऐसे जिनमें जिनमें वन टू और टू वन को हमने इंक्लूड किया है और वो इक्वी रिलेशन को भी सेटिस्फाई करें सिर्फ दो बन सकते हैं बेटा ओके देन फिफ्टी एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कंसिडर आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जो इनपुट है वही आउटपुट होगा सो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स के अंदर आंसर एक्स आया है शो करना है हमें कि ऑल दो आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑन टू और आइडेंटिटी फंक्शन ऑन टू होता है बेटा क्योंकि कोड डोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज जरूर होगी लेकिन अगर हम दो आइडेंटिटी फंक्शंस को ऐड कर दें ध्यान दीजिए दो आइडेंटिटी फंक्शंस को ये ऐड कर रहे हैं तो आंसर टू एक्स आ रहा है तो हमें प्रूव करना है इट इज़ नॉट ऑन टू इट इज़ नॉट ऑन टू तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दो आइडेंटिटी फंक्शंस को ऐड करने से आपके पास जो टू एक्स आ रहा है वो इवन नंबर है इवन नंबर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप को डोमेन में से को डोमेन में से कोई भी ऑड नंबर लेंगे तो उसकी प्री इमेज नहीं होगी उसकी प्री इमेज नहीं होगी ये देखिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको समझाने के लिए बेटा सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ भी सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे नेचुरल नंबर हैं बेटा तो वन का डबल मतलब वन इज़ कनेक्टेड टू 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 इज़ कनेक्टेड टू फोर एंड थ्री विल बी कनेक्टेड टू सिक्स एंड सो ऑन तो आप नोटिस करेंगे कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं दे डू नॉट हैव एनी प्री इमेज दे डू नॉट हैव एनी प्री इमेज सो हैंस इट इज़ नॉट ऑन टू सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लेट कर लूँगा मैं लेट कर लूँगा कि को डोमेन में से मैंने एलिमेंट थ्री ले लिया मैंने एलिमेंट थ्री ले लिया आई प्लस आई इक्वल टू थ्री विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो इसका मतलब टू एक्स इक्वल टू थ्री आ गया और x मेरा थ्री बाई टू आ गया विच डज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो मैंने शो कर दिया कि जो थ्री है को डोमेन में उसकी कोई प्री इमेज नहीं है सो देयर फोर इट इज नॉट ऑन टू ये ऑन टू नहीं माना जाएगा सिमिलरली बेटा एग्जाम्पल फिफ्टी वन में हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं साइनेक्स एंड कॉसेक्स साइनेक्स एंड कॉसेक्स अब हमें शो करना है कि एफ एंड जी आर वन वन एफ ओर जी इंडिविजुअली तो वन वन है बट एफ प्लस जी इज नॉट वन वन एफ प्लस जी जो है वो वन वन नहीं है तो देखिए एफ और जी तो वन वन है रीजन बींग क्योंकि अगर हम जीरो से नाइन्टी के बीच में से कोई भी एंगल लेते हैं ज़ीरो से नाइन्टी के बीच में से तो उसके सबके अलग अलग आंसर्स आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट बट अब हम एफ प्लस जी की अगर बात करें एफ प्लस जी हमारा होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ध्यान दीजिएगा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अब एफ प्लस जी में अगर मैं ज़ीरो वैल्यू ले, ले लेता हूँ ज़ीरो दोनों फंक्शंस में मुझे ज़ीरो पुट करना है तो साइन ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन आएगी बिकॉज साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है एंड कॉस ज़ीरो इज़ वन और अब अगर मैं नाइन्टी ले लेता हूँ बेटा नाइन्टी मुझे फर्स्ट क्वार्डर में से लेना था तो मैंने ज़ीरो और नाइन्टी लिया बेटा तो साइन नाइन्टी वन होता है और कॉस नाइन्टी ज़ीरो होता है बेटा तो इसका भी आंसर वन आ रहा है सो आई रिपीट दो अलग अलग वैल्यूज़ पे सेम आंसर आ रहा है सो देयर फोर एफ प्लस जी इज़ नॉट वन वन ये मैनी वन है बेटा ये वन वन नहीं है तो इसको शो करने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक बार मैंने जीरो एंगल लिया और एक बार मैंने नाइन्टी एंगल लिया तो वो सेम आंसर दे रहे हैं तो दैट मीन्स दे इट इज़ नॉट वन वन नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज के नाउ फोर्थ क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें हमें शो करना है कि हमें एक फंक्शन गिवन है विद डोमेन एंड कोडोमेन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स और आपको शो करना है इट इज़ वन वन एंड ऑन टू सो सबसे पहले हम वन वन के लिए स्टार्ट करते हैं वन वन के लिए अब देखिए इसमें हम दो केसेस लेंगे दो केसेस केस वन कि जब एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो आपको एक्स को पॉजिटिव एक्स लेना है बेटा मॉड एक्स को पॉजिटिव एक्स लेना है मतलब कि आपका फंक्शन बन गया एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ओके अब हम इसको वन वन के लिए स्टार्ट करेंगे सो लेट एफ ऑफ एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो सो इम्प्लाइज एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा सिमिलरली आप केस टू लेंगे बेटा केस टू केस टू में आप लेंगे इफ़ एक्स इज लेस देन ज़ीरो इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो तो मॉड एक्स आपका नेगेटिव एक्स कंसीडर होगा नेगेटिव एक्स तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स यस अब आप फिर से लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू नेगेटिव एक्स सो इम्प्लाइज एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू और इसको भी सिंप्लीफाई करके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा ये आपको शो करना होगा बेटा सो so, हैंस हमने शो कर दिया कि एफ एक्स इज वन वन ये वन वन फंक्शन माना जाएगा हमने दोनों केसेस शो कर दिए बेटा देन ऑन टू के लिए ध्यान दीजिएगा ऑन टू के लिए आपको जो कोडोमेन दिया हुआ था कोडोमेन ध्यान दीजिए वो हमें गिवन था वाई की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में माइनस वन से वन के बीच में तो कोड डोमेन अगर हमारा माइनस वन से वन के बीच में है तो इसमें हम दो पार्ट्स ले लेंगे दो पार्ट्स ले लेंगे यस yes. पहला पार्ट हम लेंगे जिसमें को डोमेन हम ज़ीरो से वन लेंगे ज़ीरो से वन पॉजिटिव वाला पार्ट जिसमें फंक्शन हमारा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है तो इसमें हम इसे y लेट करके रीशफ़ल करेंगे बेटा y लेट करके हम इसको रीशफ़ल करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ जब आप y लेट करके इसको रीशफ़ल करेंगे तो आपका एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आएगा वाई अपॉन वन माइनस वाई वाई अपॉन वन माइनस वाई और अब आप इसको शो कर दोगे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह अगर आप वाई अपॉन वन माइनस वाई पुट करते हो तो वो सॉल्व करने पे बेटा वाई के इक्वल आएगा सॉल्व करने पे वो वाई के इक्वल आएगा सो so, ये शो हो जाता है कि रेंज इज इक्वल टू कोड में अब अगर हम केस टू लें बेटा इसके अंदर केस टू ध्यान दीजिएगा इसमें मैं नेगेटिव साइड लूंगा नेगेटिव साइड सो नेगेटिव साइड के लिए फंक्शन हमारे पास है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इसको अगर आप रीशफल करेंगे तो वाई लेट करके तो आपके पास एक्स आ जाएगा बेटा वाई अपॉन वन प्लस वाई आई रिपीट वाई अपॉन वन प्लस वाई एंड अगेन आप एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह वाई अपॉन वन प्लस वाई डालकर ये शो करेंगे कि अगेन ये वाई के इक्वल आ रहा है सो देअर फोर हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू माना जाएगा क्योंकि हमने दोनों केसेस में शो कर दिया कि रेंज इज़ इक्वल टू कोडोमेन दोनों केसेस में शो कर दिया कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है हमें एफ़ एक्स इक्ल टू एक्स क्यूब को इंजेक्टिव शो करना है सो so, इंजेक्टिव के लिए आप जानते हैं वन वन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले लेंगे हम फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सो एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब आएगा बेटा सो so, क्योंकि ये क्यूब है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज़ इन्जेक्टिव इनजेक्टिव दैट इज़ वन वन नाउ टेंथ क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस चाहिए फ्राम सेट वन से लेकर एन टू इट्स सेल्फ अगेन अगर हमें ऑन टू फंक्शंस चाहिए फ्रॉम वन टू थ्री एंड टू इट्स सेल्फ तो हमें अगेन अरेंजमेंट्स चाहिए होंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स चाहिए होंगे हमें ऑफ एन एलिमेंट्स विद इट्स सेल्फ दैट इज एन फैक्टोरियल सो देअर फोर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इस क्वेश्चन में एन फैक्टोरियल होगा बेटा एन फैक्टोरियल नाउ सिक्सटींथ क्वेश्चन अगर आप देखें सिक्सटींथ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन इसमें हमें नंबर ऑफ रिलेशंस बतानी है कंटेनिंग वन टू एंड वन थ्री विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव सिक्सटीन क्वेश्चन बेटा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव तो अगर हम इसकी स्मॉलेस्ट रिलेशन बनाए याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव तो इसमें वन वन टू टू थ्री थ्री ये तीन एलिमेंट्स तो आएंगी रिफ्लेक्सिव के लिए और वन टू वन थ्री हमें ज़रूर लेना है और साथ में सिमेट्रिक भी बनाना है तो बेटा अगर आप वन टू वन थ्री लेते हैं और सिमेट्रिक भी चाहिए आपको तो आपको इन दोनों का रिवर्स भी लेना होगा टू वन एंड थ्री वन टू वन एंड थ्री वन तो ये हमारी स्मॉलेस्ट रिलेशन बन गई और अब हमारे जो दो एलिमेंट्स बचे हैं अगर हम उनमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐड करते हैं तो हमें दूसरा भी ऐड करना होगा क्योंकि हमें सिमेट्रिक चाहिए तो टू थ्री एंड थ्री टू हम इनको नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर हम टू थ्री और थ्री टू में से कोई भी एक लेंगे तो दूसरा भी लेना पड़ेगा उससे वो इक्वी बैलेंस रिलेशन हो जाएगा और इन्होंने कहा था सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो ओनली वन रिलेशन इज पॉसिबल सो ओनली वन रिलेशन इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सो इसका आंसर होगा ए पार्ट दैट इज वन ए पार्ट एंड एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सेवनटीन्थ क्वेश्चन इसमें अगेन आपको ए सेट दिया वन टू थ्री और नंबर ऑफ इक्वी बैलेंस रिलेशन कंटेनिंग वन टू नंबर ऑफ इक्वी बैलेंस रिलेशन कंटेनिंग वन टू तो अगेन इसका शॉर्टेस्ट इक्वलेंस रिलेशन जो बनाएंगे हम स्मॉलेस्ट कंटेनिंग वन टू विल बी वन वन टू टू थ्री थ्री और वन टू और उसका रिवर्स टू वन वन टू और उसका रिवर्स टू वन और सेकेंड रिलेशन जो हम बनाएंगे बेटा दैट विल बी वन वन टू टू थ्री थ्री वन टू टू वन तो लेना ही है और बाकी के जो चार एलिमेंट सिर्फ बचे हैं हमारे दैट इज़ टू थ्री थ्री टू और वन थ्री थ्री वन इनको हमें इकट्ठे लेना होगा बेटा इनको हमें इकट्ठे लेना होगा क्योंकि इनमें से अगर हम कोई भी दो लेते हैं और दो छोड़ देते हैं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा अगर हम कोई भी दो लेते हैं और दो छोड़ देते हैं तो वो ट्रांज़िटिव नहीं होगा हमें इक्वलेंस रिलेशन चाहिए थी तो ट्रांजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए हमें चारों को इकट्ठे लेना होगा तो ये हमारी सेकंड रिलेशन है सो हैंस सिर्फ दो ही रिलेशन बन सकती है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देयर फोर टू रिलेशन्स आर पॉसिबल सो हैंस इसका जो आंसर होगा दैट विल बी बी पार्ट दैट इज टू बी पार्ट दैट इज़ टू सो इस वीडियो में आपने नोटिस किया मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा रिवाइज कराया आपको बेटा कॉन्सेप्ट्स भी बताए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी बताए मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी किए और मिसलेनियस mislaneous...